प्रतीक शर्मा, चलिए नजर आते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज अंतर्गत अयोध्या पूर्वक गांव में जंगल से निकले तेंदुए ने घर में घुसकर दो लोगों को घायल कर दिया। वहीं घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली में चल रहा। हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया। बता दें कि 5 घंटे रेस्क्यू के दौरान पकड़ा गया तेंदुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग को पिंजरे में कैद तेंदुए को ले जाने से रोका। इस दौरान सुजौली ग्राम प्रधान व ग्रामीण और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों में झड़प हुई। WWF के परियोजना अधिकारी और वन जीव प्रतिपालक मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने के बाद ग्रामीणों ने पिंजरे में कैद तेंदुए को जाने दिया। India 24/7 Live TV के लिए मशी खां कमल की रिपोर्ट। हम प्रधान है, यहाँ पर आपके साथ क्या हुआ है? ग्राम हम यहाँ खड़े थे और फारिश विभाग वालों ने मंसूर के कई डंडा मार दिया। तब जब हम बोले कि ये इसका घर है, ये घर वाला है, इसको आदमी घायल हुए हैं, बच्चे भी, तो वो हमारे पेट में भी लगा दिया डंडा और ढकेलने लगा। ये गुंडाई खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं फारिश वाले। इसमें क्या एकदम इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पहले मारा जाएगा, पब्लिक मारी जाए मारेगी जूता से इन लोगों को, पूरी पब्लिक। एक ये पूरे जंगल विभाग मछली बेचवाते हैं, आइली तोड़वाते हैं, आइली तोड़वाए हैं पूरे सुजौली में, और मछली बेचवाते हैं, हिरण मरवाते हैं, बाघ का सिर शिकार भी कराते हैं, सब गुंडों से यहाँ रखे हैं। ये सब कहाँ के लोग हैं जो शिकार करते ये शिकार करने वाला? सुजौली के, चफरिया के, सभी गाँव के लोग हैं जो इनके मार्फत में इस समय इनका सहयोग कर रहे हैं। कौन कराता है शिकार? शिकार ये फारिश विभाग वाले। अब ये सुजौली रेंज के अंतर्गत एक मजरा है ग्राम अयोध्यापुरवा, उसमें जंगल से निकल के तेंदुआ दो लोगों को घायल कर दिया और उसके बाद एक घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद वन विभाग की टीम आई और तमाम ग्राम प्रधान और पुलिस की टीम के सहयोग से उसको सफलतापूर्वक उसका रेस्क्यू किया गया पिंजरा लगा के, और तेंदुए को कटनिया घाट रेंज ले जाया गया है, जहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसका अधिकारी निर्णय लेंगे कि क्या करना है। ये नर है कि मादा, इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र और नर मादा के बारे में चूँकि अभी रेस्क्यू हुआ है तो इसको लेकर रेंज में गए हैं, वहाँ से अभी पता चलेगा जब डॉक्टर परीक्षण करेंगे, क्योंकि तत्काल रूप से वहाँ पे भीड़ बहुत थी तो इसलिए उसको ले जाया गया और जैसा होगा अभी उसके बाद में उसका खुलासा करेंगे पशु चिकित्सक। और उसका उम्र लगभग 3 साल के आसपास होना चाहिए जो एक अनुमान है। और घायल जो हुए थे उन पीड़ितों को भेज दिया गया है अस्पताल और WWF की तरफ से तात्कालिक सहायता के रूप में 10,000 की आर्थिक सहायता दवा इलाज के लिए उनको मुहैया करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के इचौली वार्ड निवासी रामचंद्र, उम्र लगभग 55 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय श्री केसन, जो करीब 3 वर्षों से लखनऊ मार्ग रेलवे क्रॉसिंग समीप मिर्जा आरा मशीन पर कार्य कर रहा था। आरा मशीन पर लकड़ी के टुकड़े बनाने वाली पट्टेनुमा आरे पर जा गिरा। इंजन की चपेट में आने से उसका एक हाथ कट गया तथा सिर फटने से अधेड़ रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। India 24/7 Live TV के लिए अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में आदर्श नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की अध्यक्षता ममता सोनी, जो कि पूना गई थी, उनकी अनुपस्थिति में शासन द्वारा नामित 5 सभासदों CP तिवारी, राकेश गुप्ता एडवोकेट, संजय वर्मा, सुनीता देवी, कल्पना वर्मा आदि को उपजिलाधिकारी गिरीश चंद झा द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर EO शैलेंद्र दुबे, भाजपा नेत्री आशा मौर्य, चेयरमैन प्रतिनिधि अम्बरीश गुप्त,
रमेश वाजपेयी, विरल भाजपा नेता राम कुमार वर्मा, मोहन प्रसाद बारी, जय सीबी सिंह, चंद्रभूषण शुक्ला, कृतार्थ मिश्र, वरिष्ठ सभासद चक्र सुदर्शन पांडे की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ। इसके बाद सबको माल्यार्पण कर बधाई दी गई। देखा यह गया कि जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं दिखे। बात करने पर पता चला कि किसी भी सभासद को नहीं बुलाया गया। इस अवसर पर समस्त पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। सदस्य के रूप में निर्दिष्ट किए जाने पर ईश्वर के नाम सदस्य हो गए नगर पालिका के प्रति प्रतिबद्ध हो गए। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।